नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन दास स्कूल पे। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसके लिए इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो समर वेकेशन का होमवर्क मिला है बच्चों को, उसको किस प्रकार से डील करना है, उसको हम लोग समझते हुए चलेंगे बारीकी से एक एक करके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले चूंकि मैं बता दूं कि जो होमवर्क मिला है वो तीन कैटेगरी में मिला है विद्यालय में, नर्सरी LKG UKG का कॉपी में मिला है, थ्री इन कॉपी उनका जमा हुआ था उसमें मिला है, 1 2 3 का एक अलग होमवर्क है और 4 5 6 7 का एक अलग होमवर्क है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 1 2 3 का होमवर्क, जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और जो बच्चे हैं, यदि आप स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपको तो बिल्कुल मालूम है कि स्किप नहीं करना। हालांकि इससे पहले विद्यालय में भी होमवर्क के बारे में समझा दिया गया था, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों से वादा किया था कि आज के दिन यानी वेडनेसडे के दिन आपको शाम में वीडियो मिल जाएगा इसका, और आप उसको यूट्यूब पर देख सकते हो। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ समर वेकेशन 2022। अब बोलेंगे सर इस पे कोई क्लास तो लिखा हुआ नहीं है, तो क्लास आपको नीचे फिल करना है, अपने आप फिल करना है, क्योंकि है क्लास 1 2 3 तीनों बच्चे का जो होमवर्क था वो इक्वल था, इसके लिए मैंने क्लासेस के ऊपर नहीं मेंशन किया। आशा करता हूँ आपके हाथ में क्वेश्चन होगा, तो बिल्कुल क्वेश्चन लेकर ही बैठेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनके अभिभावक ऐसे हैं, अभी तक क्वेश्चन लेकर नहीं गए हैं। कृपया कर आप जितना जल्द से जल्द हो सकता है बच्चे का क्वेश्चन ले जाइए और बच्चे को होमवर्क बनाने में उनकी मदद करिए। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंस। सबसे ऊपर में लिखा हुआ है साइंस में कि राइट इन द होमवर्क नोटबुक एंड रिमेंबर ऑल्सो एज रीड इन योर क्लासरूम। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो होमवर्क है इसको करने के लिए आपको एक क्लासमेट का कॉपी खरीदना पड़ेगा, नोटबुक खरीदना पड़ेगा, और कॉपी खरीदने के बाद जो साइंस में आपको पढ़ाया गया आपके क्लास के अंदर, जितना तक आपका फेयर कॉपी हुआ, मान लेते हैं कि आपको क्लास 1 में 4 चैप्टर तक फेयर कॉपी कंप्लीट हो गया है, तो वो 4 चैप्टर का फेयर कॉपी आप उस नोटबुक में, जो न्यू वाला नोटबुक रहेगा उसमें आप लोग लिख कर लेंगे। साइंस में ये हो गया। इसके अलावा उसके नीचे एक लिखा हुआ है कि मेक ए प्रोजेक्ट ऑफ ट्री एंड मेंशन देयर नेम इन चार्ट पेपर। एक चार्ट पेपर आपको खरीदना है और चार्ट पेपर पर एक ट्री का फिगर आपको ड्रॉ करना है, और उस फिगर में ड्रॉ करने के बाद आप उसमें जो भी ट्री का पार्ट्स होते हैं, यानी कि आपको फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गया, लीफ हो गया, स्टीम हो गया, जितने भी पार्ट्स होते हैं आपको, ब्रांचेज हो गया, वो आपको मेंशन करना है चार्ट पेपर के ऊपर। ये हुआ साइंस का। इसके अलावा SST, तो अगेन एंड अगेन SST में भी वही काम करना है आपको। जितना फेयर कॉपी कंप्लीट हुआ है उस फेयर कॉपी को आप न्यू वाले जो नोटबुक खरीदेंगे उसमें जितना तक आपको पढ़ाया गया एक बार फिर से उसमें लिख कर लाएंगे। उसके नीचे एक उसमें भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया है, ड्रॉ ए वाटर कंसर्वेशन इन चार्ट पेपर, यानी कि पानी जल संरक्षण का एक चार्ट पेपर पे आपको फिगर ड्रॉ करना है और उसमें बताना है कि वाटर कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, जल संरक्षण कैसे हो सकता है, इसके बारे में आपको मेंशन करना है। उसके आगे हम लाते हैं मैथ में। तो मैथ में लिखा हुआ है राइट इन होमवर्क नोटबुक एंड रिमेम्बर ऑल्सो एज रीड इन योर क्लासरूम, यानी कि फिर से आपको मैथ में जितना आपको पढ़ाया गया आपके क्लासरूम के अंदर, वो वाले चीज को आप नए वाले जो नोटबुक खरीदेंगे, जिसका नाम रहेगा समर वैकेशन होमवर्क नोटबुक, उसमें आप लोग मेंशन करके आएंगे यानी बना कर आएंगे। रहा बात हिंदी का, तो फिर से अगेन एंड अगेन यानी हर एक सब्जेक्ट में आपको उतना काम करके लाना है जितना आपको फेयर कॉपी कंप्लीट हुआ है, उस फेयर कॉपी को याद भी करके आना है, साथ में उस जितना आपको पढ़ाया गया फिर से एक बार नए वाले कॉपी में लिख कर लाना है। तो फर्स्ट वाला तो ही है, आगे बढ़ते क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। राइट एसे ऑन समर वेकेशन ऑन फोटो कॉपी पेपर, यानी कि आपको एक एसे लिखना है हिंदी में समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टी के ऊपर। आपको वो जो फोटो कॉपी वाला पेपर होता है, ऐसा जो पेपर आप लोग देख रहे हैं जिसमें आपको होमवर्क मिला है, वैसा ही व्हाइट पेपर पर आपको लिख कर लाना है। इसके आगे हिंदी में ही बात करें तो राइट फुल एड्रेस इन हिंदी, यानी कि आपको अपना एड्रेस लिखना है, आपको अपना पता लिखना है हिंदी में। इसके अलावा इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश में फिर से अगेन एंड अगेन सेम टू सेम हिंदी वाला ही है, फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट में आपका लिखा हुआ होगा राइट इन द होमवर्क नोटबुक एंड रिमेम्बर ऑल्सो एज रीड इन योर क्लासरूम। आपको जितना इंग्लिश में पढ़ाया गया है फिर से आपको नए नए वाले कॉपी में लिख कर लाना है और साथ में याद करके भी आना है। राइट एसे ऑन समर वेकेशन ऑन फोटो कॉपी पेपर, एक समर वेकेशन पर आपको ऐसे लिखना है इंग्लिश में, वो फोटो कॉपी पेपर पर आप लोग लिखेंगे, मंगा लेंगे बाजार से। राइट फुल एड्रेस इन इंग्लिश, आपको फुल एड्रेस लिखना है इंग्लिश में।
इसके अलावा कंप्यूटर सेम टू सेम वही है, आपको कुछ विशिष्ट कंप्यूटर में करना नहीं है, जितना आपको पढ़ाया गया है वही वाले पार्ट्स को आप नए वाले नोटबुक में जो समर वैकेशन के नाम से है उसमें आप लोग लीक कर लाएंगे। इसके अलावा जनरल नॉलेज सेम टू सेम वही है, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। रही बात उसके नीचे देखिएगा तो कुछ बोल्ड लेटर में ब्लैक में लिखा हुआ है राइट हिंदी एंड इंग्लिश राइटिंग डेली, यानी कि हिंदी और इंग्लिश राइटिंग आपको डेली के हिसाब से लिख कर लाना है जितने देर विद्यालय बंद है। कुछ बच्चे का कहना ये था कि सर संडे के दिन का भी लिखेंगे, तो मैंने संडे का दिन का मना कर दिया था, तो आप संडे को मना ही रखेंगे और संडे का राइटिंग आपका काउंट नहीं होगा। उसके नीचे लिखा हुआ है कंप्लीट टोटल फेयर कॉपी इन योर नोटबुक एंड रिमेंबर ऑल्सो, यानी आपको जितना फेयर कॉपी आपको जितना पढ़ाया गया है क्लासरूम के अंदर आपको मालूम होगा उतना आपका फेयर कॉपी कंप्लीट होना चाहिए, साथ में रिमेंबर भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। राइट टेबल 1 to 20, 1 से 20 तक आपको टेबल लिख कर लाना है, क्लास 1 to 3 वाले बच्चे ध्यान देंगे। राइट माई सेल्फ यानी आपको माई सेल्फ लिखना है, जो मैंने बताया है क्लासरूम के अंदर टीचर्स आपको बताए हैं क्लासरूम के अंदर वो आपको लिख कर लाना है। इसके अलावा कुछ नीचे रिमेंबर आपको याद करने के लिए दिया गया है, जिसमें नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, ये सभी कुछ आप लोग याद करके आएंगे और उसे आप क्लास में सुनाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्लास 4, 5, 6, 7 के क्या होमवर्क मिला है। तो ये रहा क्लास 4, 5, 6, 7 का होमवर्क साइंस। अगेन एंड अगेन वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जितना पढ़ाया गया क्लासरूम के अंदर उसको आप नए वाले नोटबुक में लिखेंगे, बच्चे को समझा दिया गया है। यदि आप पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो बच्चे से सामंजस्य बैठाकर दोनों बातचीत करेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा आपको होमवर्क में क्या करना है। ये जो वीडियो है वो गार्जियन और बच्चे दोनों के लिए, इसके लिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। इसके नीचे लिखा हुआ है ड्रॉ ए वाटर साइकिल इन चार्ट पेपर, एक वाटर साइकिल का ड्रॉ करना है आपको चार्ट पेपर के ऊपर। उसके नीचे SST में सेम प्रोसेस वही है जो आपको पढ़ाया गया, नए वाले नोटबुक में लिख कर लाना है जो आपको समर वेकेशन होमवर्क के नाम से है। ड्रॉ ए सोलर सिस्टम इन चार्ट पेपर, एक और चार्ट पेपर लेना है जिसमें सोलर सिस्टम को ड्रॉ करना है। मैथ अगेन एंड अगेन वही है, हिंदी वही है, हिंदी में सेकेंड वाला क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे। राइट एसे ऑन समर वेकेशन ऑन फोटोकॉपी पेपर जो आपको क्लास 1 to 3 के लिए मिला है वही आपको 4, 5, 6, 7 के लिए मिला है, तो आपको लिख लेना है एक समर वेकेशन के ऊपर, ऐसे लिखना हिंदी में फोटोकॉपी पेपर पे। उसके नीचे है राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ 5 डेज इन स्कूल टू अटेंड योर ब्रदर्स वेडिंग, यानी कि आपको अपने भाई की शादी में जाना है जिसके लिए 5 दिनों की छुट्टी चाहिए, उसके ऊपर एप्लीकेशन लिखना है विद्यालय में, तो हिंदी में वो काम करना है। और सेम प्रोसेस आपका इंग्लिश में भी वही है, राइट राइट इन द होमवर्क नोटबुक एंड रिमेंबर ऑल्सो एज इन रीड इन योर क्लासरूम, यानी कि आपको जितना क्लासरूम में पढ़ाया गया उसको आपको हिंदी और इंग्लिश ये बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हिंदी ग्रामर और हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर का कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप करके नहीं आएंगे। हिंदी का मतलब हिंदी ग्रामर भी हो गया और इंग्लिश का मतलब इंग्लिश ग्रामर भी हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश में थर्ड क्वेश्चन में कि राइट एन एप्लीकेशन फॉर, देखिए जो आपको हिंदी में लिख कर लाना है एप्लीकेशन वही चीज़ को आपको इंग्लिश में भी लिख कर लाना है, तो आप उसको करके आएंगे। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो कंप्यूटर में चलते हैं, कंप्यूटर में भी वही करना है जो आपको पढ़ाया गया है उसी को आपको समर वेकेशन होमवर्क वाला नोटबुक जो होगा उसमें लिख कर लाना है। उसके नीचे चलते हैं जनरल नॉलेज में, तो जनरल नॉलेज में बाबू इसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट किया गया है, क्योंकि आपको बताया गया था, पहले बताया गया था एक ब्लैंक पेपर आप मैप का ले लेंगे और उस मैप पे इंडियन मैप होगा और उस मैप पे आप पूरे स्टेट एंड उसके कैपिटल का नाम लिख कर लाएंगे जिसको विद्यालय में फिर जमा करना है। ओके इसके बाद आगे बढ़ते हैं जो ब्लैक ब्लैक में जो क्वेश्चन दिया गया है राइट हिंदी एंड इंग्लिश राइटिंग डेली, आपको डेली के हिसाब से हिंदी और इंग्लिश राइटिंग लिख कर लाना है। कंप्लीट टोटल फेयर कॉपी इन योर नोटबुक एंड रिमेम्बर ऑल्सो, टोटल आपका फेयर कॉपी कंप्लीट करना है साथ में याद भी करना है। राइट हिंदी एंड इंग्लिश फुल एड्रेस, आपको फुल एड्रेस लिखना है हिंदी और इंग्लिश का, उसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान बरतते हुए लिखिएगा। राइट माई सेल्फ नर्सरी सॉरी क्लास 1 to 3 वाले बच्चों को भी मिला माई सेल्फ लिखने के लिए, आप 4, 5, 6, 7 वाले बच्चों को भी मिला माई सेल्फ लिखने के लिए, दोनों थोड़ा सा अंतर करके लिखिएगा क्योंकि 7 वाले बच्चे हैं तो आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा। उसके नीचे आपको रिमेंबर करने के लिए दिया गया, याद करने के लिए दिया गया है, जो बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल है, यानी कि आप कौन से डॉक्टर को क्या कहेंगे, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट किन्हें कहा जाता है, पीडियाट्रिशियन किसे कहा जाता है, डेंटिस्ट किन्हें कहा जाता है, ये सब आप याद करके आएंगे और उसे विद्यालय में सुनाएंगे। ये जो होमवर्क है इसके पीछे कुछ और भी लिखा हुआ है जो है अभिभावक के लिए, पेरेंट्स के लिए। सबसे ऊपर में लिखा हुआ बच्चों के हित में अभिभावक को निर्देश, ये पेरेंट्स इसको पढ़ेंगे और बच्चे को इसी प्रकार से जो गर्मी की छुट्टी मिली है उसमें कैसे बिताएंगे, बच्चों के साथ समय क्या करना है बच्चों के साथ, ये बिल्कुल आप लिखेंगे समझेंगे और बच्चे के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। रही बात क्लास नर्सरी LKG UKG की,
तो नर्सरी एल के जी यू के जी को जो 3 in 1 कॉपी है उसमें होमवर्क मिला है, तो आप उसको सॉल्यूशन करवाएंगे। साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूशन करवाना है तो बच्चे से करवाना है, ना कि आप कर देंगे। यदि आप कर देंगे तो फिर मुझे नहीं समझ में आएगा कि बच्चे का होमवर्क किया हुआ है या फिर आपका किया हुआ है, तो फिर बच्चे आप ही के कमजोर आ जाएंगे। इसलिए जो भी होमवर्क करना है बच्चे को करा देंगे। हाँ, उसमें आप हेल्प कर सकते हैं, ना कि पूरा होमवर्क बच्चे बच्चे वाला आप कर दीजिएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और आप सभी बच्चे से अनुरोध है कि छुट्टी तो लंबी मिली है, आपको भी लग रहा होगा कि लंबी छुट्टी है, लेकिन इतनी भी लंबी छुट्टी है जितना आपको होमवर्क भी मिला है। तो होमवर्क आप डेली करेंगे, ये नहीं कि आप सोचेंगे कि अभी 5 दिन आराम कर लेते हैं फिर आपको लास्ट में होमवर्क करना है, तो फिर आपकी को दिक्कत हो जाएगी, आप ही को प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने क्लास में सब कुछ बताया था कि आप यदि 5 दिन लास्ट वाले 5 दिन में रहोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये होमवर्क आपको अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। और यदि आप इस होमवर्क को अभी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, उसमें से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डाउनलोड करके आप चाहिएगा इसका फोटो कॉपी निकाल लें, यानी प्रिंट आउट कर लें, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ये बस हम आपको इसलिए डाउनलोड करने के लिए बता रहे हैं कि आप मोबाइल में देख करके भी आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पेज फिर से जमा करना है विद्यालय के अंदर। तो विद्यालय में यदि जमा करिएगा तो इसको बचाकर सही से रखिएगा, सेफ से रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया। तो ये वीडियो को, ये जो आप पेपर देख रहे हैं, इसको डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक मिल जाएगा। क्लास 1 2 3 का अलग से, 4 5 6 7 का अलग से, उसमें आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। पेरेंट्स के लिए जो निर्देश है उसके लिए एक अलग लिंक बना हुआ है, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, और इसे आप बनाकर लाएंगे, बनाकर बिल्कुल जरूर से जरूर लाना है। आपको पहले ही बता दिया गया है, ये दोनों क्वेश्चन पेपर है क्लास 4 1 2 3 एंड 4 5 6 7, तो ये बिल्कुल बनाकर लाएंगे, कोई प्रकार की कोताही नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लास में समझाया है। इसके अलावा मैंने वीडियो बना रखा है, और वीडियो आपको एक बार समझ नहीं आया तो 2 बार समझ में आएगा। आप जरूर से जरूर देखें, और यदि इसके बाद भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करें, मैं फिर से इसका सोल्यूशन करूंगा, और जो समझ में नहीं आएगा मैं आपको जरूर से जरूर बताऊंगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।